जकार्ता इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री ने 20वें आसियान भारत सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी एशिया और हम सबकी सदी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। प्रधानमंत्री ने यहां खाद्य सुरक्षा सहित स्वतंत्र नौवहन और नियम आधारित नए वर्ल्ड ऑर्डर बनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासा जोर दिया। उन्होंने आसियान भारत फंड और तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा की। और वहीं G20 की मेजबानी के लिए भारत अतिथि देवो भव की संकल्पना के साथ सदस्य देशों के आतिथ्य सत्कार के लिए तैयार है। केंद्रीय संसदीय कार्य व कोयला एवं खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। सेंट्रल दिल्ली पुलिस ने मोबाइल पुलिस स्टेशन लॉन्च किया। आगामी G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शहर की तैयारियों और साफ सफाई का जायजा लिया। चाहे बात दिल्ली के सौंदर्यकरण की हो या फिर सुरक्षा की, हर स्तर पर मेहमानों के स्वागत की अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए राजघाट के बाहरी क्षेत्रों के साथ साथ दिल्ली के प्रमुख स्थानों और चाक चौराहों का भी सौंदर्यकरण किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए राजधानी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।